मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेल. स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न इन मैथ्स असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर. व्हाट इज द मीन ऑफ असेंडिंग ऑर्डर? Ascending order means is we will write the number small to greater. Okay, we will write the number small to greater. हम numbers को छोटे से बड़े की तरफ लिखेंगे. Okay, छोटे से बड़े के order में हम लिखेंगे. Okay, so मैं आपको समझाती हूँ कैसे करते हैं ascending order में. ठीक है, वी विल राइट स्मॉल टू ग्रेटर, छोटे से बड़ा. फाइव, टेन, टू, वन, एंड फिफ्टीन. ओके, फाइव, टेन, टू, वन एंड फिफ्टीन. सो अब हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. कौन से ऑर्डर में लिखना है? असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? अब इस रो में से आपको असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल टू ग्रेटर लिखते हैं. तो सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है? फाइव, टेन, टू, वन. वन इज स्मॉल नंबर, वन सबसे छोटा है. तो हम सबसे पहले यहां पर वन लिखेंगे. वी विल राइट हियर वन. ओके, नाउ फिर वन के बाद वन से बड़ा कौन सा है? टू. सो वी विल राइट हियर टू. फिर टू से बड़ा देखेंगे कौन सा है? फिफ्टीन, टेन, फाइव. टू से बड़ा कौन सा नंबर है? फाइव. सो वी विल राइट हियर फाइव. अब फाइव से बड़ा नंबर देखेंगे कि फाइव से बड़ा कौन सा है? टेन. यस, वी विल राइट हियर टेन. टेन से बड़ा नंबर कौन सा है? फिफ्टीन. वी विल राइट हियर फिफ्टीन. ओके, समझ आया आपको ये? अब हम करेंगे और मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूं. ट्वेंटी वन, ट्वेल्व, सेवन, सिक्स एंड फाइव. ओके, अब इस रो में आप चेक करेंगे कि सबसे स्मॉल नंबर कौन सा है. इस रो में आप चेक करो सबसे स्मॉल नंबर. ट्वेंटी वन, नो. ट्वेल्व, नो. सेवन, नो. सिक्स, नो. फाइव, यस. सबसे छोटा नंबर फाइव है ना? तो सबसे पहले हम फाइव लिखेंगे. फाइव. अब फाइव से बड़ा नंबर कौन सा है? सिक्स. सिक्स
सिक्स से बड़ा नंबर सेवन, अब सेवन से बड़ा नंबर ट्वेल्व, और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इस वाली रो में, ट्वेंटी वन। तो सबसे लास्ट में हम सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे ट्वेंटी वन। ओके, ए बी ओके। तो बेटा आपको समझ आया होगा कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ना। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स वी विल राइट द नंबर स्मॉल टू ग्रेटर, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा उससे बड़ा और उससे बड़ा, है ना। हमको इस तरीके से करना है, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा, फिर उससे बड़ा, उस सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आता है। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल टू ग्रेटर लिखते हैं, ठीक है। अब हम मैं बेटा आपको बताऊंगी कि आपको हॉलीडे होमवर्क में क्या करना है। हॉलीडे होमवर्क में आप करेंगे काउंटिंग, वन टू हंड्रेड काउंटिंग, राइट काउंटिंग वन, राइट काउंटिंग वन टू हंड्रेड, ओके एंड राइट नंबर नेम्स वन टू ट्वेंटी, ओके राइट नंबर नेम्स वन टू ट्वेंटी, ओके दिस इज योर मैथ्स हॉलीडे होमवर्क, ओके एंड इंग्लिश इंग्लिश में आपको क्या करना है, राइट ए टू जेड, राइट ए टू जेड, राइट ए टू जेड, लर्न ईवीएस में आप करेंगे लर्न फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम एंड कलर्स नेम, ओके दिस इज योर हॉलीडे होमवर्क। हॉलीडे होमवर्क में ये तो आपको असेंडिंग ऑर्डर करना है अपनी नोटबुक में, है ना। अगर वर्कबुक में भी है तो आप वर्कबुक में कंप्लीट करेंगे, और ये हॉलीडे होमवर्क आपका मैथ्स में राइट काउंटिंग वन टू हंड्रेड एंड राइट नंबर नेम्स वन टू ट्वेंटी, इंग्लिश में राइट ए टू जेड स्मॉल कर्सिव लेटर्स एंड ईवीएस लर्न फ्रूट्स नेम वेजिटेबल्स नेम एंड कलर्स नेम, ओके दिस इज ऑरल पोर्शन। आपको ईवीएस में ऑरल लर्न करना है, रिटर्न नहीं करना है, ओके okay? तो बेटा आपको ये वाला वर्क अगर आपके वर्कबुक में पेजेस ब्लैंक है, खाली है, तो उन्हीं में करना है आपको, ठीक है। नोटबुक में नहीं करेंगे, अगर वर्कबुक में पेजेस हैं आपके इन सब के लिए तो आपको ये वर्कबुक में ही कंप्लीट करना है, क्योंकि आपके वर्कबुक में बेटा पूरी
फिल होना बहुत जरूरी है ना, तो उसी में आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर उसमें आपने पहले कंप्लीट कर लिया है तो आप नोटबुक में कर सकते हो। ओके, थैंक यू।